Namaste. Welcome to day five of ten days of deep learning series. Today, we will about regularization technique dropout. So, dropout uh, basically it helps prevent overfitting by randomly dropping neurons, forcing network to learn robust features. This is random forest mein, uh, You train several decision trees to improve generalization of the model. न्यूरल नेटवर्क में हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग बहुत कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ द टाइम इट टेक्स इन टर्म्स ऑफ द स्पेस इट टेक्स तो अब ऑब्वियसली यू कैन बी ट्रेनिंग लाइक एन डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क सो उस चीज का इफेक्ट हम एक ही मॉडल में कैसे लेंगे दैट इज थ्रू ड्रॉप आउट तो इसलिए हम एक ही मॉडल में रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को टर्न ऑफ कर देते हैं तो सपोज़ आई आई एम जस्ट सपोजिंग दैट माय प्रोबेबिलिटी इज़ पॉइंट फाइव बाय दिस प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी है आपकी ड्रॉप प्रोबेबिलिटी। एंड सपोज़ आपके लेयर में टोटल नंबर ऑफ न्यूरोन्स इज़ एन। तो टोटल कितने मॉडल्स आप बना सकते हो टोटल uh, मतलब ये वाला नोड uh, ये न्यूरॉन एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा पॉइंट फाइव प्रॉलिटी से ये वाला भी सेम से सो टू पावर एन टू टू द पावर ऑफ एन मॉडल्स आप क्रिएट कर सकते हो जस्ट यूजिंग वन मॉडल राइट सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्रॉप आउट लेट्स <laughs> तो हम हर आइटरेशन में जो एक पर्टिकुलर लेयर में जिसके बाद हम ड्रॉप आउट लगा रहे हैं उसमें हर आ, हर नोट को हम टर्न ऑफ करेंगे विद प्रोबेबिलिटी पी दिस इज़ माय टर्न ऑफ प्रोबेबिलिटी और माय ड्रॉप आउट प्रोबेबिलिटी एंड वन माइनस पी इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ कीप प्रोबेबिलिटी कि इसको हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं राइट right? सो so, अगर इसको हमने ड्रॉप कर दिया और ये वाले न्यूरॉन को ड्रॉप कर दिया तो इनके एक्टिवेशन फंक्शंस को हम ज़ीरो कर देते हैं फाइन और वन माइनस मतलब पॉइंट फाइव से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वन माइनस पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव से हम उसको ड्रॉप नहीं कर रहे दैट इज माई की प्रॉरिटी ओके तो ट्रेनिंग के टाइम पे रैंडमली हम कुछ न्यूरॉन्स को जीरो सेट कर देंगे ये वाले एंड बाकी के जो न्यूरॉन्स हैं ना उसको हम लोग इसका जो एक्टिवेशन वैल्यू आया सपोज जेड आई इसको हम स्केल कर देते हैं वन अपॉन वन माइनस पी से सिमिलरली फॉर दिस वन इज़ इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस पी से हम स्केल करते हैं क्यों करते हैं अभी हम देखते हैं सो लेट्स सी की वट हैुलर सपोजिंग वी हैव इन न्यूरॉन्स

एंड सपोज जेड आईड याेड आई डैश एक्टिवेशन वैल्यूज है okay. इसमें जो आई है ये आई जो है ये फॉर अ पर्टिकुलर न्यूरोन तो आई इक्वल टू वन टू फोर जेड एंड दिस इज थ्री ऐसा तो आई इक्वल टू वन टू एन ओके तो ड्रॉप आउट का तो अब ड्रॉप आउट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मेरा जो जेड आई है डैश है वो मेरा ज़ीरो हो जा रहा है विद अ प्रोबेबिलिटी पी एंड वो लेट्स जस्ट अज्यूम कि हम लोग कुछ uh, इसमें अभी स्केलिंग नहीं कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि हम स्केल क्यों करना है वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि हमें स्केल क्यों करना है राइट right? तो लेजेस से कि वो हम स्केल नहीं करते वो जेड आई का जेड आई रहने देते हैं तो ये इसकी प्रोल्टी विथ प्रॉवर्टी वन माइनस बी राइट सपोजिंग दिस अभी हम क्या चाहते हैं कि हम जिस लेर एल पे सपोज ले एल है और इसके बीच uh, यहाँ पे ड्रॉप आउट है और यहाँ पे लेयर मेरी एल प्लस वन लेयर है ओके okay. तो इधर जो मेरे एन न्यूरॉन्स थे और इनके थ्रू जितने भी मेरी एवरेज एक्टिवेशन वैल्यूज हैं वी वांट दैट कि वो बिफोर ड्रॉप आउट और आफ्टर ड्रॉप आउट भी हमारा सेम रहे तो व्हाट डू वी रियली वांट वी वांट ई एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड आई डैश इज इक्वल टू पहले इसको कैलकुलेट करते हैं तो ज़ीरो इंटू uh, जीरो है इंटू विद अ प्रॉबल्टी पी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड आई इंटू प्रॉबिलिटी वन माइनस पी राइट दिस इज नथिंग बट दिस इक्वल टू ई ऑफ जेड आई इंटू वन माइनस पी बट हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन बिफोर ड्रॉप आउट है वो हमारा आफ्टर ड्रॉप आउट के बराबर हो तो हमें क्या करना पड़ेगा तो हमारे जो आफ्टर ड्रॉप आउट की वैल्यूज आई हैं एक्टिवेशन वैल्यूज उन सबको हमें स्केल uh, करना पड़ेगा विद अ फैक्टर ऑफ वन अपॉन वन माइनस पी तो जो भी इंडिविजुअल जेड आइज है उनको हमें वन इंटू वन अपॉन वन माइनस पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट right? तो ये तो प्रूव हो गया सो नाउ लेट्स सी एट टेस्ट टाइम टेस्ट टाइम पे हम लोग क्या करते हैं टेस्ट टाइम पे हम लोग ड्रॉप आउट लेयर तो ऑब्वियसली हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा हमें लगाना नहीं है क्यों नहीं लगाना है बिकॉज वो तो एज अ रेगुलराइजेशन टेक्निक है ट्रेनिंग के टाइम में हम ओवर फिटिंग को हटाने के लिए यूज़ कर रहे थे तो ऑब्वियसली हम आ, हमारा ट्रेन मॉडल अब आ चुका है तो उसमें टेस्ट टाइम में हमें ड्रॉप आउट की कोई जरूरत नहीं है एंड क्या हम लोग आ, स्केलिंग टेस्ट uh, टाइम पे भी करेंगे जैसे यहाँ पे वन माइनस पी और वन अपॉन वन माइनस पी से स्केल कर रहे थे जी, और उस टाइप से तो नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बिकॉज uh, जो हमारा ट्रेनिंग के टाइम पे हमने ऑलरेडी वैल्यूज को अपना एडजस्ट कर दिया था और तो ये पॉइंट्स को याद रखना एंड नाउ लेट सी की हाउ टू हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट ड्रॉप आउट इन पाई टॉर्च सो उसके लिए हम लोग कोला ऐप पे चलते हैं जिसमें माय कोलाब नोटबुक इसमें ये देखो आप आ, हमने लोग पाइटॉस से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये पुराना ही हमारा नेटवर्क है जो हमने डिफाइन करा था पिछले लेक्चर्स में और इसमें दिस इज हाउ योर इनिशियलाइज़िंग इनिश सॉरी डिफाइनिंग योर ड्रॉप आउट लेयर और इसमें ये जो p इक्वल टू पॉइंट टू है दिस इज पॉइंट टू ऑफ योर ड्रॉप आउट प्रॉबीबिलिटी पॉइंट टू ओके okay. एंड uh, ये जो टॉर्च अटेंड लाइब्रेरी से हम इसको लिए एन एंड ड्रॉप आउट यहाँ डिफाइन कर रहे हैं और इसको हम यूज़ नीचे कर रहे हैं यहाँ पे तो आफ्टर माई सेकेंड लेयर लाइक फुली कनेक्टेड वन देन फुली कनेक्टेड सेकेंड उसके बाद फिर हम सेकेंड लेयर के बाद ड्रॉप आउट लेयर लगा रहे हैं तो बेसिकली वो एफ सी टू के मतलब रेलू एफ सी टू एक्स उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर हम ड्रॉप आउट लगा रहे हैं और उसके रिज़ल्ट को हम एफ सी थ्री में भेज रहे हैं और फिर फाइनली से एक मोइंट ले रहे है ओके सो लेट्स सी कि ड्रॉप uh, आउट लगाने से पहले हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी एक्स की और ड्रॉप आउट लगाने के बाद हमारे एक्टिवेशन वैल्यूज़ क्या रहते हैं तो वो हम लोग देख रहे हैं और इनपुट डिमेंशन मेरा एट सिक्सटीन और आउटपुट वन बाइनरी बाइनरी क्लासीफिकेशन है ये उसके बाद फिर आई एम इनिशलाइजिंग माई इनपुट सेम एज बिफोर सिक्स रोज होंगी एट फीचर्स होंगे हर हर एंट्री के एंड दिज आर माई टार्गेट वैल्यूज या सो लेट्स ई तो ये मेरा बिफोर ड्राप आउट आंसर है और ये मेरा आउटपुट आफ्टर ड्राप आउट आंसर है सो लेट्स जस्ट टेक वन रैंडम रो सपोज दिस वन वी टेक द लास्ट वन फॉर योर लास्ट डेटा तो इसमें देखो सपोज लेट्स जस्ट एक दिस वन ये वैल्यू यहाँ पर है पॉइंट जीरो फाइव जीरो थ्री बिफोर ड्रॉप आउट बट आफ्टर ड्रॉप आउट यही वैल्यू आपके चेंज हो जाके पॉइंट जीरो सिक्स टू एट हो जा रही है यहाँ पर यह क्यों हो रहा है ये हमने देखा था स्केलिंग फैक्टर्स है स्केलिंग फैक्टर इसमें क्या होगा वन अपॉन वन माइनस पी पी के आए मेरा ट्वेंटी यहाँ पे हमने प्रॉल्टी ट्वेंटी एंड देंस ट्वेंटी परसेंट पी इज पॉइंट टू प्रोल्टी इज पॉइंट टू तो वन अपॉन वन माइनस पॉइंट टू इज वॉट वन पॉइंट टू फाइव सो लेट्स जस्ट सी कि पॉइंट जीरो फाइव जीरो थ्री फाइव ज़ीरो थ्री वन पॉइंट टू फाइव कितना होता है दिस इज़ पॉइंट जीरो सिक्स टू और uh, यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये देखिए दिस इज़ पॉइंट ज़ीरो सिक्स टू एट सो ये वही स्केलिंग की वजह से यहाँ पे हमारे जो वैल्यूज़ को ज़ीरो नहीं कर रहे हैं उसको हम स्केल कर रहे हैं और ऐसे यू कैन सी कि कौन सा वैल्यू जैसे इसी लास्ट रो में ही देखते हैं तो यू कैन सी कि ये वाला जैसे फर्स्ट रो में है तो इसमें विद अ प्रफ़ पॉइंट टू इंडिविजुअल न्यूरॉन्स में से किसी किसी को हमने डीएक्टिवेट करा है जैसे ये वाला है पॉइंट ज़ीरो सेवन फाइव थ्री यहाँ पर ज़ीरो हो गया इसको हमने ड्रॉप uh, आउट ने जो है इस वाले पर्टिकुलर न्यूरॉन uh, को जो है वो कर दिया है डीएक्टिवेट कर दिया है ओके सो यस दैट्स ऑल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ईजी है जस्ट अ लेयर यू नीड टू एड हेयर एंड देन यू कैन यूज़ इट ओके ना या सो दैट्स इट फॉर टुडे और आपको अगर मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुँच सके अपने डाउट ज़रूर कमेंट करें धन्यवाद